हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं रितु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूज, जो लटक जाती है स्किन, हमारी ढीली पड़ जाती है, उसके बारे में। और जानेंगे तीन तरीके से हम कैसे अपनी लूज स्किन को, ढीली स्किन को टाइट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें फेस पे आती है, क्योंकि इससे हमारी एजिंग दिखने लगती है। ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितने बूढ़े हो गए हैं। वैसे इसका एक कारण बुढ़ापा तो है ही है। जैसे जैसी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी स्किन जो है लूज हो जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। हम बिल्कुल इसको ठीक कर सकते हैं, और आज का ये वीडियो इसी बारे में है। ये वीडियो के अंत तक जब आप पहुंचेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप भी अपनी लूज स्किन को ठीक कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी एज है 30, अगर मेरी स्किन लूज है या उसमें रिंकल्स हैं तो शायद आप मुझे 40 का समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है मेरी एज क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखकर कि आप क्या समझते हैं या मैं कैसे दिखती हूँ, मेरी एज क्या लगती है। वैसे जिसने मेरी एज बिल्कुल सही गैस करी, उसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट भी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी एज क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि लूज स्किन का एक कारण बुढ़ापा तो है ही है, बढ़ती हुई उम्र है, पर जितने हम हैं उससे बड़े क्यों दिखें। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी स्किन को ऐसा कुछ पोषण दें कि हमारी एज जो भी है उससे हम कम ही दिखें, ज्यादा तो एटलीस्ट ना दिखें। तो इसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले इसके लिए जो पहला उपाय है वो है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज क्यों? क्योंकि ऑयल से जब आप मसाज करते हैं, वैसे भी अगर आप मसाज करते हैं तो आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से आपके स्किन को हीलिंग का एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है। उसे लगता है कि जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो हमारी जो है नई स्किन बनने लगती है, ड्राई स्किन जाने लगती है, जो भी डेड स्किन है वो हटने लगती है। तो मसाज बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल यूज करिए। अगर आपके स्किन में कोई हीलिंग की जरूरत है, जैसे कि अगर आपको मुहासे हैं तो आप ज्यादा रब मत करिए, लेकिन कोकोनट ऑयल से धीरे धीरे आपके मुहासे और रिंकल्स भी जाएंगे। अगर आपको रिंकल्स की समस्या है, दाग धब्बों की समस्या है, तो आप मसाज के लिए यूज करेंगे वाइटमिन ई से भरपूर बादाम का तेल। एलमंड ऑयल जो होता है बहुत ही रिच सोर्स होता है वाइटामिन ई का। तो अगर आपको सिर्फ रेडियंस चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपके स्किन को सिर्फ टाइट करना है, बाकी कोई परेशानी आपके स्किन में नहीं है, तो आप बादाम का तेल यूज करिए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई और डल है तो आपको यूज करना चाहिए ऑलिव ऑयल। मसाज आप जब भी करते हैं तो हमेशा ऊपर के स्ट्रोक में मसाज कीजिए, जिससे कि आपकी स्किन टाइट होती रहे। ऐसे करके जब आप मसाज करेंगे धीरे धीरे आपकी स्किन टाइटनेस भी आ जाएगी और जो भी लूज स्किन है वो चली जाएगी। दूसरा कारण बोलूं या दूसरा उपाय, दोनों एक ही है। सबसे पहले जो हमारे स्किन को चाहिए होता है पोषण, वो अंदर से भी चाहिए होता है। जैसे आपका पेट है, जैसे आपका हेल्थ है, वो ही दिखता है स्किन पे। अगर आपके पेट में कुछ खराबी है तो वो स्किन पे जरूर दिखेगा। तो सबसे पहले अपने खान पान को भी सुधारने की जरूरत है। आपके स्किन को बहुत ज्यादा जरूरत है कोलेजन की। कोलेजन क्या होता है वो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। कोलेजन की जरूरत हमें पड़ती है हमारे स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। जैसे जैसे कोलेजन की कमी आती रहती है, हमारी स्किन ढीली पड़ती रहती है, उसमें से चमक चली जाती है और हमें रिंकल्स, झाइयों की परेशानियां, दाग धब्बों की परेशानियां होने लगती है। तो कोलेजन को अपने डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, विटामिन सी से भरपूर खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। ये कोलेजन को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बोन ब्रॉथ खा सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कोलेजन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको नियरेस्ट फार्मेसी पे मिल जाएगा। कोलेजन बूस्ट करने के लिए पाउडर्स आते हैं, टेबलेट्स आती हैं, आप वो जरूर यूज कर सकते हैं। सेफ होते हैं, 2-3 महीने तक यूज करिए, उसके बाद थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके स्किन में बहुत ही हेल्दी और नोटिसेबल निखार आ गया है। तो ये आपकी डाइट में शामिल करना बिल्कुल मत भूलिए। तीसरा जो उपाय है वो है फेस पैक। ऐसे फेस पैक जो आपके स्किन को अंदर से रिजुविनेट करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे, आपकी स्किन को टाइट बनाएंगे, जिससे कि आप लगेंगे एटलीस्ट 5 इयर्स यंगर 1 महीने में।
आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलाने की बिल्कुल भी यहाँ बात नहीं कर रही। मैं आपको बहुत ही कम चीजों में बहुत ही इफेक्टिव फेस पैक जो कि आपकी स्किन को टाइट करेगा, वाइटन करेगा और लाएगा गुलाबी निखार, सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट्स यूज करें। तो सबसे पहले बनाना और शहद, केला और शहद, केले को अच्छे से मैश कर लीजिए, उसके बाद में उसमें मिलाइए शहद। ये दोनों ही आपके स्किन को टाइटनिंग के लिए और वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। केला भरपूर होता है पोटेशियम से, शहद में प्रॉपर्टीज होती है आपके स्किन को चमक देने की, साथ ही अगर उसमें कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। शहद अंदर से आपके स्किन को हील करता है, तो शहद यूज करना बहुत ही अच्छा है। दूसरा फेस मास्क जो बहुत ही ज्यादा काम करता है, बहुत ही काम का है, वो है अंडे का जो सफेद पार्ट होता है ना, आप वो ले लीजिए। येलो पार्ट हमें नहीं लेना है, सिर्फ सफेद पार्ट लेना है और उसके अंदर एक चुटकी दालचीनी डाल दीजिए। इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अपने फेस पर लगा दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि फेस मास्क टाइट होने लग गया है, आपको खुद महसूस होगी वो टाइटनिंग। तो मास्क जब अच्छे से सूख जाता है तो आप उसे धो लीजिए, अच्छे से पोंछकर एक मॉइस्चराइजर यूज करिए। आप खुद देखेंगे कि ये मास्क अगर आपने 3 दिन भी लगातार यूज किया ना, तो इतना इफेक्टिव है कि आपको खुद आपके स्किन में दाग धब्बे जाते हुए दिखेंगे। अगर आपको पिंपल्स है तो पिंपल्स चले जाएंगे, झाइयां दूर होगी और स्किन टाइटनिंग तो होगी ही होगी। लास्ट एक मास्क, अगर आपको इनमें से कुछ नहीं मिलता है तो आपको एक बहुत ही इजी मास्क मैं बताना चाहूंगी। ये इजी बहुत है क्योंकि सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन इसमें एक इंग्रेडिएंट है हल्दी, जो कि आपको पता ही है कितनी ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, ये आपका रंग भी निखारती है। तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी अगर आपको नहीं ही मिलती है तो आप रोज क्ले लीजिए या फिर बेसन लीजिए, उसके अंदर आधा चुटकी जो है हल्दी मिला दीजिए। सिर्फ ये 2 चीजों को मिलाइए, गुलाब जल से इसका पेस्ट बनाइए और उसके बाद में अपने चेहरे पर छोड़ दीजिए। ये जो सारे मास्क है ना, इसको आपको अच्छे से अपने चेहरे पर सुखाना है, फिर ही वॉश करना है। और आपके स्किन में जो निखार आप देखेंगे तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मैं वेट कर रही हूँ। तो ये जो भी चीज मैंने बताई है ना, ये हफ्ते में एक बार ही आपको यूज करनी है। जल्दबाजी मत कीजिए कि बस आज लगाए और कल हम छोटे बन गए, ऐसा नहीं होगा। हर चीज को उसका टाइम देना चाहिए। जैसे कि हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसे बड़े होने में टाइम लगता है ना, वैसे ही कम से कम 1 महीने का इंतजार कीजिए। हर महीने ऑयल मसाज कीजिए, फेस पैक आप हर 3 दिन में लगा सकते हो। जो भी फेस पैक आप लगा रहे हो मुझे बताइएगा कि आप कौन सा फेस पैक यूज कर रहे हो और आपके क्या रिजल्ट हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कौन सा लगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप जरूर पूछिएगा, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा या मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।